So let's dig deep into the last 5 years. Like, let's talk a little bit about. So, for example, if I say that ma'am has qualified CA and actuary and this interview is over, it would be injustice to the sacrifice she has made. So let's dig deep and let us take some insights about the prep time, about the schedule. So how was it? So of course it was a pretty hectic time because बहुत sacrifice करना होता है when you have to do something, when you want to achieve something. लेकिन if you really want it तो वो sacrifice उतना ज़्यादा feel नहीं होता है. When you know that you are here for something bigger, तो saying no to some things will not hurt you. And ये चीज़ हमेशा हम लोग को याद रखना होएगा कि no बोलना किसी को is not bad. It is just that you know when to prioritize what. बहुत बार स्किप किया बहुत सारा चीज़. आई स्पेंट इवन अगर मन करता था तो आई यूज टू गो फॉर इट फॉर सम टाइम एंड आके आई वुड मेक अप. मे बी आई वुड कट डाउन ऑन स्लीप अ लिटिल और मे बी आई वुड स्पीड अप द प्रेपरेशन. कोई लाइट चैप्टर उठा के उस टाइम कर लेता था. यू हैव टू मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर. यू हैव टू सी कि कौन से दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक ज़्यादा सूट करेगा. हाउ यू आर प्लेस्ड मेंटली दैट डे. यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टर्म टारगेट इन माइंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग द स्केड्यूल. आई हैव नॉट बीन अ पर्सन जो डे टू डे स्केड्यूल बनाएगा कि आज ये टॉपिक करना है. लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द डे आई शुड बी पुटिंग इन एक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ताकि एंड में जब आप सोने जाओ तो आपको ये रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए कि आज अच्छा दिन नहीं हुआ. कुछ दिन होंगे बट यू हैव टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे.